हाय टॉरस, और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और वीडियोस बहुत जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको टाइम मिले, आप वीडियोस देख पाओ और अपना महीना जो है, जो चेंजेस आपको लाने हैं, जिन चक्रस पे आपको काम करना है वो कर पाओ। फरवरी की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, हिंदी वीडियोस फरवरी राशिफल के प्लेलिस्ट में है और इंग्लिश वीडियोस फरवरी प्रेडिक्शंस की प्लेलिस्ट में है, तो आप वो देख सकते हो फरवरी की वीडियोस। और बाकी मार्च का महीना देखते हैं आपका कैसा रहेगा। तो मार्च का महीना मुझे लगता है सबसे पहले तो मार्च की शुरुआत हो रही है जस्टिस कार्ड से, विच मीन्स दैट अगर किसी तरह का कोई लीगल एक्शन, किसी तरह का कोई चीज, किस तरह की कोई जजमेंट, किस तरह का कोई डिसीजन आपके लिए आना था तो वो डिसीजन आपके लिए आएगा। और जजमेंट का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। इस महीने आपने थोड़ा सा ये कोशिश करनी है कि आप ज्यादा बोलने की जगह ज्यादा सुनने की कोशिश करो, चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, चीजों को सीखने की और लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी का कार्ड जो है वो नो स्पेस पे आया है, होप्स एंड फेयर्स में आया है हायरोफेंट का कार्ड, और इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस जो है वो रखो इस महीने, और कोशिश करो कि आप अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ो, लेकिन सबको साथ में लेकर आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हैं बाकी सुन रहे हैं, सबकी बातें भी सुनो, इस महीने बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मुझे आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि इंट्यूशन स्ट्रांग होगी इस महीने, किसी तरह की कोई छोटा मोटा एक ब्रेक हो सकता है जिसमें आपको कोई चीज जो है वो बहुत माइंड पे लगे, आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचो, या हार्ट पे उसका इफेक्ट हो, थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन, या थोड़ा सा मतलब एक तरह से दिल पे थोड़ा सा भार आप महसूस करो, लेकिन वो कुछ बड़ी चीज नहीं होगी और उसमें से कुछ बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है। और विक्ट्री का कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, और क्वीन ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव एनर्जी लीड लेना लाइफ में आगे बढ़ना, और क्वीन और किंग दोनों है तो पार्टनरशिप्स, तो ओवरऑल काफी स्ट्रांग कार्ड्स हैं आपके इस महीने के लिए, और कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में निकल के आएंगे। इंट्यूशन इस महीने स्ट्रांग रहेगी, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, जो थॉट आपके माइंड पे बहुत ज्यादा है और स्ट्रांगली आती है उसको इग्नोर मत कीजिए, और इमोशनल ना होइए, इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल होके देखिए, ये महीना आपको बहुत अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि एक, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। दूसरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़े, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड का कार्ड है, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़े, तो इसलिए अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जहां पे आपको हेल्थ को लेकर कोई ट्रबल हो रही है, या किस तरह आप अपने लेग्स या लिम्स में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा सिटिंग का काम है आपका, या हार्ट में थोड़ा सा आप बर्डन फील कर रहे हो, तो रेस्ट जरूर लीजिए इस महीने, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। और अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखिए, अगर इन दो चीजों का ख्याल रखेंगे तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइक ए सेट, क्योंकि मुझे हार्ट दिखाई दे रहा है, जजमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है, किसी तरह की कोई सर्जरी जो है वो एडवाइजेबल हो सकती है, लेकिन वो वर्क करेगी और सक्सेसफुल होगी, तो किस तरह की डरने की बात नहीं है आपके कार्ड पे। मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपके कार्ड, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है आप अपनी बात जो है उसको बोलते हो और चाहते हो कि सामने वाला आपके अकॉर्डिंग चले, आपकी बात सुने, तो वो एक टेंडेंसी है इस महीने जो आपको कम करनी है, कोशिश करनी है। आप जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे, उनकी बात सुनोगे, अपनी इंट्यूशन पे चलोगे, और किसी की बात या सजेशन को इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि कई बार इंट्यूशन जरूरी नहीं है अंदर से आए, कई बार हमारे आसपास की कई चीजें हमें कुछ चीजें गाइड करती हैं अगर हम अटेंशन दें तो वो आपको इस महीने ध्यान रखना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने मुझे पेंटिकल का एक भी कार्ड जो है वो नहीं आया है, लेकिन क्योंकि आपके कार्ड पे सिक्स ऑफ वैंड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस महीने बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें, कोशिश करें कि आप कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें मेजर। दूसरा, अगर कहीं से भी आपका पैसा आना था या आपने किसी से पैसा लेना था तो इस महीने उस चीज को ज्यादा पुश ना करें, थोड़ा सा बैलेंस रखें और अपनी बजटिंग का ध्यान रखें। तो मुझे ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन और लाइक आई सेड, किस तरह की कोई लीगल इशू है जो आपके फेवर में सेटल हो सकता है, तो इस तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि कोई भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है आपके कार्ड में, तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा अपनी बजटिंग का आपने ध्यान रखना है। बाकी मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि क्योंकि इंट्यूशन है और चीजें चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में, मनी मेजरली बहुत ज्यादा ड्राइविंग फैक्टर ना हो इस महीने आपके लिए। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की,
रिलेशनशिप्स में एक तो पार्टनरशिप मुझे लग रहा है किस तरह की आपकी लाइफ में आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स दोनों ही इक्वली पावरफुल है और उसके साथ में क्योंकि मुझे हार्ट पे बर्डन दिखाई दे रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो मुझे कहीं ऐसा लगता है, और जस्टिस का कार्ड भी है शुरू में, तो एक तो अगर किसी तरह का रिलेशनशिप को लेकर आपका लीगल मैटर था, सेपरेशन या इस तरह के किसी सिचुएशन में आप थे, तो उसका डिसीजन जो है इस महीने हो जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छे से चले तो आपको बहुत जरूरी है अपनी बात कन्वे, और जब आप कन्वे कर रहे हो तो उस टाइम में ये भी बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अपनी बात ना बोलें, सामने वाले की बात जो है उसको भी सुनने की हिम्मत रखें। आपका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इक्वली इक्वल प्लेटफॉर्म पे है आपके साथ, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इमोशनल होकर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत हावी हो जाती है, और जब आपकी नेगेटिव एनर्जी हावी होती है तो उस टाइम में क्या होता है कि आप चाहते हो कि सामने वाला सिर्फ आपकी बात सुने, और वहां पर रिलेशनशिप्स में ट्रबल आ सकता है। अगर किसी तरह का कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, किस तरह की कोई रिलेशनशिप आपको छोड़ के गई है, तो एक्चुअल में चीजें और बेहतर होंगी और आपकी लाइफ में कोई नई सिचुएशन जो है वो निकल के आएगी, और जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप्स में है आइडियली पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, नर्चरिंग की तरफ जाएगी और पॉजिटिव होगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि इस महीने आपको जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, अपनी अंदर की पावर और नर्चरिंग और जो आपका नेचर है, जो आपकी एबिलिटी है उसको पहचानने की और उसको नर्चर करने की। तो फोकस जो है इस महीने इमोशंस या रिलेशनशिप से ज्यादा या दूसरे लोगों से ज्यादा फोकस इस महीने ये होना है कि आप अपने अंदर क्या चेंजेस ला रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, आप क्या करने आए हो, क्योंकि जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, कहीं ना कहीं कर्मा बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, और कर्मा के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली है, जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह कर्मा वर्क नहीं करता है, तो वो आप देखें अगर आप समझना चाहते हैं, लेकिन कर्मा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका सोल पाथ या सोल लेसन जो है वो निकल के सामने आएगा, और इसीलिए जजमेंट का कार्ड भी है, और इसीलिए जो भी रिलेशनशिप आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपके साथ रहेंगे, जो नहीं काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मूव अवे होंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगी, इस महीने बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या ओवरपावरिंग नहीं होना है आपने रिलेशनशिप्स में। बात करें बेबी बर्थ की, आइडियली एक पॉजिटिव महीना है, मुझे प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी दिख रही है और काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिख रही है, या अगर प्रेगनेंसी है तो बेबी बर्थ की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, तो इन दैट मैटर एक पॉजिटिव महीना है। सिर्फ थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि अगर बेबी होता है या प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है, डॉक्टर्स की बात सुननी है और रेगुलर चेकअप्स जो है उनको कराते रहना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर शुरू में जस्टिस का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, विक्ट्री कार्ड है, सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स है, जजमेंट का कार्ड है। मुझे ओवरऑल आपके करियर के लिए महीना काफी अच्छा लग रहा है, सिर्फ क्योंकि हार्ट ब्रेक है और फोर ऑफ सोर्ड, थ्री और फोर ऑफ सोर्ड्स दोनों एक साथ है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है वो एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी ना हो जिसके बारे में आप सोच रहे थे, या दूसरा पॉसिबिलिटी वो वही अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, आप मैनिफेस्ट करो वो आपके पास आए, लेकिन जब वो आपके पास आए तो आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं, तो आपके हार्ट पे अचानक बर्डन आ जाए कि ये क्या हो गया। कई बार जब अच्छी न्यूज आती है ना तब भी हम घबरा जाते हैं, तो वो सिचुएशन जो है वो हो सकती है। इन बोथ द केसेस कार्ड्स बोल रहे हैं जो भी है आपके करियर की सिचुएशन आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगी, रिवॉर्ड और रिकग्निशन आपके कार्ड्स में है, किसी तरह की ग्रोथ, किसी तरह की मेजर अनाउंसमेंट आपके कार्ड्स में है, तो आपको पॉजिटिवली उन चीजों को लेना है। बस अगेन मैं फिर से बोलूंगी, एक ही चीज का ध्यान रखना है क्योंकि हेरोफेंट नो स्पेस पे है, आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा काम डाउन करके यूज करना है, मतलब ये हेरोफेंट की जगह आपने किंग ऑफ वैंड्स की तरह काम करना है, विच मीन्स किंग ऑफ वैंड्स होता है जो टीम को लीड करता है लेकिन साथ में लेके चलता है टीम को, सबकी बात सुनता है ध्यान से, वो आपने करना है। अगर आप कहीं पे भी ओवरपावरिंग हुए या कहीं पे भी सिर्फ आप इस मूड में आ गए कि सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से करो, तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लग सकती है जहां पे आपको वो ना मिले जो आप इस महीने एक्चुअल में अचीव कर सकते हो। तो इस महीने सिर्फ यही ध्यान आपने थोड़ा सा रखना है कि अपनी एनर्जी को काम डाउन रखना है और जितना ज्यादा हो सके अपने पैशन को फॉलो कीजिए और दूसरों की बातें सुनिए, नर्चरिंग होइए, नेगेटिविटी को ओवरपावर मत होने दीजिए। टीम वर्क इस महीने बहुत वंडरफुल काम करेगा आपके लिए, टीम वर्क जितना करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी मुझे किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, लोगों का साथ मिलेगा, सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, और पार्टनरशिप जो है
वो मुझे अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो तो अपनी पार्टनरशिप में डोमिनेट ना करना, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में नहीं हो तो इस महीने में नई पार्टनरशिप में सजेस्ट नहीं करूंगी, हेरोफेंट नो स्पेस पे है, नई पार्टनरशिप में सजेस्ट नहीं करूंगी, स्पेशली थ्री वे पार्टनरशिप में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी इस महीने, तो उसमें थोड़ा सा आप वेट कीजिए। अगर आपने पार्टनरशिप करके कुछ करना है या तो टू वे पार्टनरशिप हो या फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि थ्री वे पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, और इसीलिए जहां पे भी तीन लोग इन्वॉल्व होंगे वहां पे मुझे आपको थोड़ी सी दिक्कत होती हुई नजर आ रही है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके पार्टनर के बीच में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे रिलेशनशिप्स में कोई पर्सन हो आपके साथ, चाहे बिजनेस में हो, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम सिचुएशन है उसको दोनों के बीच में सॉल्व कीजिए। जहां भी आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। बात करें आपके सोल पाथ की, सोल ग्रोथ की, ये महीना है इंट्यूशन का, क्लियरली इंट्यूशन का, क्योंकि आपका सेंटर कार्ड पेज ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वैंड आई है। क्वीन ऑफ वैंड साइकिक एनर्जी का कार्ड होता है, इंट्यूटिव एनर्जी का कार्ड होता है, जजमेंट का कार्ड है, जहां पे आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करें। ये महीना प्योरली इंट्यूशन का है और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है इस महीने। करना क्या है, अगर आप इस इंट्यूशन को प्रैक्टिकलिटी के साथ मिक्स करेंगे, अगर आप इस इंट्यूशन को फोर्स करने की कोशिश करेंगे या आप अपनी थॉट जो है वो मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस महीने थोड़ा सा फ्री फ्लो रहने दीजिए, जो इंट्यूशन जो थॉट्स आपके पास आती है उनको लिखिए कहीं पे और देखिए ये चीजें ऐसे ही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए और चीजों को फोर्स करने की कोशिश मत कीजिए, अगर आप वो करेंगे तो महीना बहुत अच्छा है आपके सोल ग्रोथ के लिए। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने रहेगा आपका सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र नेवल से दो फिंगर नीचे लोकेटेड होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मंत्रा चैनल पे है। इस चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है क्योंकि ये चक्र कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का है, आपके इंट्यूशन का है, आपके इमोशन को बैलेंस करने का है, थ्री ऑफ सोर्ड्स आपके कर्मा का है, आपकी बैलेंसिंग का है, तो ये चक्र कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस महीने। जरूरी रहेगा इस महीने कि आप इस चक्र के मेडिटेशन जो है वो रोज करें और अपने इस चक्र को बैलेंस रखें। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है और कहीं ना कहीं वो हार्ट हीलिंग का कार्ड है और हार्ट पे बर्डन ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि अपने आप पे खुद से प्यार करें, खुद के साथ कनेक्टेड रहें, लोगों के साथ प्यार करें और प्यार से लोगों को देखें, सुने या उनकी बात को एक्चुअली एक तरह से रिसीव करें। तो जितना ज्यादा आप केयर, लव, नर्चरिंग जो है वो दूसरों के लिए और अपने लिए लाएंगे, उतना ज्यादा क्लियरली आपका पाथ जो है वो ओपन अप होगा और नए चेंजेस जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे। अफर्मेशन ऑफ द मंथ जो है वो मैं आपको पढ़ के दूंगी इस कार्ड की, तो आपके अफर्मेशन इस महीने रहेगी कि मैं अपने आप को प्यार करती हूं, करता हूं, वैल्यू करती हूं और करता हूं किसी भी लिमिटेशन या कंडीशन के बिना। तो बिना किसी कंडीशन या लिमिटेशन के मैं अपने आप को प्यार करता हूं और वैल्यू करता हूं या करती हूं, दूसरों से भी मुझे एक अच्छी और लविंग ट्रीटमेंट मिलती है और मैं दूसरों को भी एक बहुत अच्छी और लविंग ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा देता हूं और देती हूं, और लाइफ मुझे अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज करती है लव से, प्यार से और अच्छे कनेक्शन से। तो ये आपने इस महीने जरूर मेडिटेशन या अफर्मेशन जो है करनी है और कहीं ना कहीं बी रेडी टू रिसीव लव, तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर। अगर हम बात करें आपके मंथ के सरेंडर मैसेज की, तो आपका मंथ का सरेंडर मैसेज है सरेंडर टू योर इंट्यूशन। वो बोलता है अपनी इनर वॉइस पे ट्यून इन कीजिए, अपनी गट फीलिंग का ध्यान रखिए, आपके आसपास की जो चीजें हो रही हैं, जो फ्लैशेस हैं, जो अचानक से कोई चीज आपको पता लगती है, कोई इंसान अचानक से कुछ बोलता है और आपकी तरफ एक तरह से गाइडेंस आती है, उन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। इस महीने बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन पे सरेंडर करें और आप इंट्यूशन पे ध्यान दें, और वो तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, क्योंकि जिस तरह की आपकी एनर्जी है आप यू कम अक्रॉस बहुत स्ट्रांग, और जब आप प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल माइंडसेट से बहुत स्ट्रांग आते हो तो इंट्यूशन जो है उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वो इस महीने आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्लीज उसको जरूर कीजिए। आपका कार्ड जो है यूनिकॉर्न मैसेज, वो बोलता है मदर मैरी एंड यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू, तो ब्लेसिंग यू, तो बेसिकली यूनिकॉर्न मैसेंजर ऑफ एंजल्स होते हैं, तो उन मैसेजेस को अपनी तरफ प्लीज आने दीजिए। आपका एनिमल एनर्जी कार्ड इस महीने का है टाइगर। टाइगर का कार्ड बोलता है अपनी मैग्निफिसेंट को आप एक्सेप्ट कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं इसका मीनिंग आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो आपका कार्ड बोलता है कि ये कार्ड आपको रिमाइंड कराने आया है कि आप एक यूनिक और मैग्निफिसेंट पर्सन हो और आपको ये एक्सेप्ट करना है। इसके साथ में आपको बहुत जरूरी है कि अपनी साइकिक एनर्जी या अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है किसी भी सिचुएशन या रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में जो आपको ट्रबल कर रही है या किस तरह से प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स है।
अपने इनर नॉलेज को ट्रस्ट कीजिए और ये समझिए कि जो भी आंसर्स आप सीख कर रहे हो वो आंसर्स आपके पास खुद आएंगे और जो भी सिचुएशन या चीजें हो रही हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही हैं। और जब आप विजडम मतलब अपनी इनर नोइंग या इंट्यूशन से सिचुएशन को हैंडल करोगे तो आप उस सिचुएशन को बहुत ब्यूटिफुली अच्छे से हैंडल कर पाओगे। टाइगर एनर्जी बोलती है कि अपने आप में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और पावर का यूज करने के लिए तो रेडी रहिए, लेकिन साथ में डिसिसिवली डिसीजन मेक करके एक्ट करने के लिए रेडी रहिए। और साथ में आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है जब आप इस टाइगर एनर्जी फील्ड में होते हो तो एक्चुअल में दूसरे लोग आपकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो दैट इज वाई कि ये आपका हेरोफ्रेंड जो है वो नो स्पेस पे आ रहा है कि जरूरी नहीं है आप हर चीज में एक्ट करो, जरूरी नहीं है हर चीज में आप आगे बढ़ के बोलो। आपने अपने होराइजन को एक्सपैंड करना है, अपनी लाइफ में कोई नई चीज जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसको आप लर्न करना चाहते हो, उसको डेवेलप करो और उसके साथ में इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो। अपनी अपनी पावर, अपनी इंट्यूशन को समझो और इंट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं मैंने बोला बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो आपको हर चीज को बोल के बताना जरूरी नहीं है। बात करें क्या होगा जब हम चीजों को फॉलो करोगे, आपका एंजल मैसेज ऑफ द मंथ क्या है, तो एंजल मैसेज ऑफ द मंथ आपका है लीप ऑफ फेथ। ये बोलता है अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने दिल की बात सुनिए और वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। डॉग साथ में है, सबको साथ में लेके चलना जरूरी है और डोमिनेटिंग होना जो है वो सही नहीं होगा। तो ये आप अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ है, नई बिगनिंग्स आपके लिए शुरू हो रही है, नई लाइफ आपके लिए शुरू हो रही है और कुछ बहुत मेजर डिसीजंस या जजमेंट्स जो है वो आ रही है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल नए ढर्रे पे लेके जाएंगी। उसके साथ में अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक में जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। एक लाइफ कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं, मंथ ऑफ मार्च टॉरस। ओके, दो कार्ड आए हैं और एक है फोर ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और बहुत अमेजिंगली सही चीज बोल रहे हैं ये कार्ड कि जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हो, जहां आप क्लोज्ड हो कंप्लीटली, जहां सिर्फ आप अपने आप पे भरोसा रखते हो या आपको लगता है कि मेरे रिसोर्सेज जो है वो मेरे हैं, मेरी थॉट जो है वो मेरी है या मुझे सब पता है, ऐसे जब आप इस एनर्जी में आते हो, जब आप उन चीजों को एक्चुअली सामने लेके देखते हो कि मैंने क्या सीखा है लाइफ में, मैं दूसरों के साथ क्या कर सकता हूं, मैं दूसरों से क्या सीख सकता हूं या सीख सकती हूं, तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और इसीलिए इस महीने इस जोन से आपको बाहर निकलना है, क्लोज्ड एनर्जी से बाहर निकलना है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है, दूसरे की बातें सुननी है, समझनी है और अपनी इंट्यूशन के साथ जब आप कनेक्ट होकर आगे बढ़ोगे तो आप बहुत सारी नई चीजें कर पाओगे। साथ में अगर कोई नई चीज लर्न आप करना चाहते हो और अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हो, अगर आप वो करोगे आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस हैं काफी चीजों को लेकर, अगर आपको टाइम मिले तो उन वीडियोस को देखिए, आपको हेल्प कर सकती है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने के साथ, सेल्फ लव के साथ। और साथ में मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल पे टैरो रीडिंग जो है वो मैं सिखा रही हूं तो आप वो भी सीख सकते हैं और साथ में मैं एक सोल जर्नी जो है उसकी वीडियो करने वाली हूं, तो वो भी मैं इन वीडियोस के बीच में ही कहीं डालूंगी तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशंस कीजिए, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।